क्या हुआ बिट्टू, तुम काफी देर से खांस रहे हो। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। क्या हुआ बेटा, काफी उदास भी लग रहे हो। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, क्या हुआ बताओ मुझे। माँ, मैं जानता हूँ कि आपके पास अच्छा खाना बनाने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन रोज रोज ये सूखे चावल के साथ लाल मिर्च और नमक खा खा कर मेरा गला छिल गया है। आपको पता है, कल तो मेरे सीने में भी बहुत जलन हो रही थी माँ। हमें कब तक ये चावल और मिर्च खाना होगा? क्या हम कभी भी अच्छा खाना नहीं खा पाएंगे? दोनों बच्चों की बात सुन उर्मिला की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, जिसे देख उर्मिला की सास शिल्पा। अरे मेरे प्यारे बच्चों, ये सब खाने से हम ताकतवर बनते हैं। बड़े बड़े महान और ताकतवर लोग भी यही खाते थे। दादी माँ, आप सच कह रही हो? इसका मतलब अगर हम ये रोज खाएंगे तो हम भी ताकतवर बनेंगे। माँ, अब से आप हमें यही रोज देना। इतना कहकर दोनों बच्चे पानी का घूंट पी पी कर और मिर्ची वाले चावलों को खाने लगते हैं, जिसे देख किसी को भी गले से निवाला नहीं उतरता और उनकी आंखों से आंसू नहीं रुकते। भगवान ऐसी जिंदगी देने से अच्छा है कि तो हमें अपने पास बुला ले। हम तो ऐसी जिंदगी से परेशान हो चुके हैं, अपने बच्चों को मैं ढंग का खाना भी नहीं खिला पा रही हूँ। उर्मिला का पति राजीव एक फैक्ट्री में जूते सिलने का काम करता था, जिसके उसे सिर्फ दिन में 50 रुपए ही मिलते थे और उन 50 में से उसे हर दिन अपने परिवार का पेट भरना पड़ता था। इतनी महंगाई के जमाने में इतना कम पैसे से वो लोग सिर्फ आए दिन सूखे चावल या ज्यादा से ज्यादा दाल रोटी ही खा पाते थे। बिट्टू, आज हम लोग ना खेलने के लिए वो बड़ा वाला मैदान है ना, वहाँ चलते हैं। मैंने सुना है वहाँ पर आज झूले भी लग गए हैं बच्चों के लिए। सुना तो मैंने भी है, चलो हम वहाँ चलते हैं। दोनों बहन भाई जैसे ही खेलने के लिए मैदान जाते हैं, तो देखते हैं कि मैदान के बाहर कई सारे खाने पीने के ठेले लगे हुए हैं, जिसमें से एक वेज बिरयानी वाला भी होता है। उस वेज बिरयानी की खुशबू सूंघ दोनों बच्चों की भूख बढ़ जाती है और उनके मुंह से पानी टपकने लगता है। दोनों बहन भाई उस वेज बिरयानी के ठेले पर जाते हैं। भैया, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अरे बच्चों, तुम दोनों को बिरयानी खानी है? हाँ अंकल, हमें बिरयानी खानी है, इसकी खुशबू हमें यहाँ तक ले आई है। दोनों बच्चों की बात सुन बिरयानी वाला उन्हें 2 प्लेट बिरयानी खाने को देता है। दोनों बच्चे जैसे बिरयानी खाने ही वाले होते हैं कि तभी, लाओ 120 रुपए हुए बिरयानी के। क्या 120 रुपए? लेकिन अंकल, हमारे पास तो 10 रुपए भी नहीं है। तो तुम दोनों कहाँ यहाँ मुफ्त में बिरयानी खाने के लिए आए हो? हाँ, चलो भागो यहाँ से, अभी मेरी सारी बिरयानी झूठी कर देते। बिरयानी वाला दोनों बच्चों को डांट कर भगा देता है, जिसके बाद अब दोनों बच्चे शाम में उदास होकर घर जाते हैं और जाकर एक कोने में बैठ जाते हैं। आज तो तुम दोनों बड़े वाले मैदान में खेलने के लिए गए थे ना, तो क्या हुआ, इतनी उदास क्यों हो? क्या किसी ने तुम्हें अपने साथ खिलाया नहीं? दोनों बहन भाई अपनी माँ को उस बिरयानी वाले की सारी बात बताते हैं। पता है माँ, उस बिरयानी में से कितनी अच्छी खुशबू आ रही थी, मेरे मुंह में तो अभी भी पानी आ रहा है, उसकी खुशबू तो अभी भी मेरे नाक तक आ रही है। तुम भी वैसी बिरयानी बनाना, चाहे एक बार ही बनाओ लेकिन बना दो ना, मेरा बिरयानी खाने का बहुत मन कर रहा है। हाँ बच्चों, जरूर मैं तुम्हारे लिए वैसी ही बिरयानी बनाऊंगी, तुम फिक्र मत करो। उर्मिला शाम को राजीव के फैक्ट्री से लौटने का इंतजार करती है। जैसे ही राजीव फैक्ट्री से लौटता है तो वो उसे सारी बात बताती है। पहली बार बच्चों ने हमसे कुछ खाने के लिए मांगा है जी, क्या हम उन्हें इतना भी नहीं खिला सकते? खिला तो सकते हैं उर्मिला, लेकिन क्या करें। एक काम करता हूँ, सेठ से कल थोड़े ज्यादा पैसे मांग लूंगा एडवांस में, कम से कम एक दिन तो बच्चों को कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। राजीव अगले दिन सेठ के पास जाता है और उसे एडवांस में 1 और 2 दिन की सैलरी मांग लेता है, जिसे लेकर वो उर्मिला को देता है। इन पैसों में तुम्हें थोड़ी ही सही, लेकिन सबके लिए बिरयानी बनाऊंगी। उर्मिला बिरयानी बनाने के लिए अच्छे चावल और बाकी सभी मसाले को लेने के लिए राशन की दुकान पर जाती है। ये लीजिए बहन जी, ये आपका बिरयानी बनाने का सारा सामान, आपके हुए पूरे 300 रुपए। क्या 300 रुपए? लेकिन भैया, मेरे पास तो सिर्फ 100 रुपए ही है, अगर मैं आपको 200 रुपए कुछ दिनों में दे दूं तो चलेगा? ठीक है, दे देना, पर ये सामान भी कुछ दिनों के बाद ही ले जाना। हाँ, यहाँ पर उधारी पर कुछ नहीं चलता है। दुकान वाले की बात सुन उर्मिला काफी उदास हो जाती है। आज मैंने बच्चों से वादा किया था कि मैं उनके लिए बिरयानी बनाऊंगी, लेकिन अब मैं क्या करूँ?
उर्मिला इतना बोल रही होती है कि तभी उसे दुकान पर मैगी के पैकेट्स दिखाई देते हैं। बिरयानी ना सही, कम से कम बच्चों के लिए मैगी ही बना देती हूँ, कम से कम कुछ तो खा लेंगे। उर्मिला 3-4 मैगी के पैकेट्स खरीद लेती है और घर आकर उन्हें पानी में डाल चूल्हे पर उबालने लगती है। लेकिन तभी उर्मिला देखती है कि पानी में उबल रही मैगी बिल्कुल सफेद चावलों की तरह दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि ये मैगी नहीं बल्कि लंबे लंबे चावल हों। अरे हाँ, अगर मैं बीच में से तोड़ लूँ तो मैं तो इनकी भी बिरयानी बना सकती हूँ। पूनम वैसा करती है, उस उबली हुई मैगी को बीच में से तोड़ लेती है और घर में रखे कुछ मसाले से अब वो एक मैगी बिरयानी बनाती है। अरे बहू, ये कैसी बिरयानी बनाई है तूने? दिखने में तो काफी अलग अलग लग रही है, ये बिरयानी है ना? हाँ जी, ये तो बिरयानी, लेकिन कोई ऐसी वैसी बिरयानी नहीं बल्कि ये मैगी बिरयानी है। मैगी बिरयानी? लेकिन माँ, हमने तो आपको वो वाली बिरयानी बनाने के लिए कहा था, तो आपने ये मैगी की बिरयानी क्यों बनाई? बच्चों एक बार खाकर तो देखो, तुम्हें ये काफी पसंद आएगा। और मिला के कहने पर सभी लोग जैसे ही मैगी बिरयानी खाने वाले होते हैं कि तभी अचानक उनके घर पर कुछ अघोरी बाबा आते हैं। सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। अघोरी बाबा, आप यहाँ हमारे घर पर? हाँ बेटिया, हम यहीं पास में जा रहे थे, रास्ते में बहुत जोरों की भूख लगी तो सोचा तुम्हारे घर से कुछ खा ले। अगर कुछ खाने के लिए है तो तुम मुझे दे दो खाने को। घर में तो बस यही थोड़ी सी मैगी बिरयानी ही रखी है, अगर ये मैं इन्हें दे दूंगी तो घर में सब क्या कहेंगे, और अगर घर में खाना होते हुए भी खाना देने से मना किया तो कहीं हमें कोई श्राप ना दे दे। उर्मिला श्राप के डर से और अघोरी बाबा को खाने के लिए मैगी बिरयानी दे देती है। इतना स्वादिष्ट भोजन हमने आज से पहले कभी नहीं खाया, भगवान तुम्हारा भला करे। इतना कहकर वो सभी अघोरी बाबा वहाँ से चले जाते हैं। लगता है आज भी हमेशा मिर्च और चावल खाकर ही पेट भरना होगा अपना। अघोरी बाबा के जाने के बाद जिस प्लेट में उन्हें उन सभी को मैगी बिरयानी खाने के लिए दी थी वो प्लेट उठाकर वापस चूल्हे के पास रख देती है, और तभी अचानक उस प्लेट में से एक सुनहरी चमकदार रोशनी निकलती है और वो प्लेट दोबारा से मैगी बिरयानी से भर जाती है, जिसे देख सभी काफी हैरान होते हैं। अभी तो इस प्लेट में मैगी बिरयानी का एक दाना भी नहीं था और ये प्लेट दोबारा से मैगी बिरयानी से कैसे भरी? जिन अघोरी बाबा को तुमने अपनी बनाई हुई मैगी बिरयानी खिलाई थी वो तो भगवान के भेजे हुए कोई फरिश्ते थे, इसलिए उनके खाने के बाद ये प्लेट अब जादुई मैगी बिरयानी से भर चुकी है, और ये एक ऐसी जादुई बिरयानी है जो कभी खत्म नहीं होगी। उस जादुई मैगी बिरयानी के अंदर से आई हुई आवाज सुनकर उर्मिला और बाकी सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। इसका मतलब अब ये जादुई मैगी बिरयानी कभी खत्म नहीं होगी और हम लोग अब पेट भरकर अच्छा खाना खा सकेंगे। अब सभी लोग अपनी अपनी प्लेट लेकर आते हैं और जी भरकर मैगी बिरयानी खाने लगते हैं। जैसे जैसे वो मैगी बिरयानी लेते हैं वैसे वैसे वो प्लेट दोबारा से जादुई मैगी बिरयानी से भरने लगती है। माँ, ये जादुई मैगी बिरयानी तो बहुत अच्छी है, इसे खाकर तो मेरे शरीर की सारी कमजोरी भी दूर हो गई। ये तो बस हमारे इंतजार का फल है जो आज हमें भगवान ने दिया है, इसीलिए कहते हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। कह तो बिल्कुल ठीक रही है प्रीति, मेरी भी जोड़ों में कुछ दिनों से काफी दर्द था, लगता है ये सब कुछ जादुई बिरयानी की वजह से हुआ है। ये भूख के साथ साथ हमारे शरीर की बीमारियों को भी दूर कर देगी। अब हमारे पास इतनी सारी जादुई बिरयानी है कि हम इसे अगर जिंदगी भर खाएंगे तो खत्म नहीं होगी। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि अब हम एक जादुई बिरयानी को बेचेंगे। इस जादुई बिरयानी की कीमत हम सिर्फ 5 रुपए प्लेट रखेंगे, जिससे गरीब लोग पेट भरकर जादुई बिरयानी खाएंगे, और अगर किसी को कोई शरीर से जुड़ी परेशानी है तो वो भी अब हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। उर्मिला राजीव दोनों अब उसे जादुई मैगी बिरयानी को बेचते हैं। अरे भाई साहब, ऐसा क्या है आखिरकार जादुई मैगी बिरयानी में जो आप लोग इसे बेच रहे हैं? मैंने इससे पहले तो कभी भी ऐसी जादुई मैगी बिरयानी बनाने के बारे में नहीं सुना, और क्या है इसके अंदर जो इसे खाने के बाद अगर किसी को कोई बीमारी होगी या कोई दर्द तो फिर ठीक हो जाएगा? हमने इस जादुई मैगी बिरयानी के अंदर कई सारी जड़ी बूटियां भी डाली हैं जो आपके शरीर से जुड़ी परेशानियों को दूर करने में मदद करती है, और साथ ही ये आपको अच्छा स्वाद भी देती है। जादुई मैगी बिरयानी खाने की वजह से ज्यादा लोगों के शरीर से जुड़ी बीमारियां ठीक हो रही थी, जिसके चलते अब उर्मिला के परिवार वालों की आर्थिक स्थिति भी ठीक हो रही थी, और वो जादुई बिरयानी की मदद से लोगों की मदद भी कर रहे थे।
तो दोस्तों, क्या आप कभी मैगी बिरयानी का कॉम्बिनेशन टेस्ट करना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा।